Assam, the gateway to Northeast India. And in the heart of Upper Assam is this lazy little town, Jorhat. Ek zamane mein Jorhat, Ahom Kings ka capital tha. It looks small, but the place is always buzzing with activity. And there is that one special thing which attracts millions of travelers like me all the way to Jorhat. अगर आपने इंडिया में ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि अगर आपको कोई एक प्याली चाय ऑफर करे और आप मना कर दें तो उसको बहुत बड़ी तोहीन मानी जाती है। इंडिया इज अ कंट्री एडिक्टेड टू टी एंड आई मीन असम विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन और ये है जोरहाट इंडिया का टी कैपिटल। व्हेन आई थिंक ऑफ अ कप ऑफ चाय द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज असम टी। इट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड और इस चाय की कहानी 150 साल पहले यहीं जोरहाट में शुरू हुई। दिस इज गाटोंगा टी एस्टेट। लुक एट द साइज ऑफ दिस प्लेस, इट्स बिग इनफ टू फिट एन एंटायर टाउन इन हियर। दीज टी लीव्स ट्रैवल अ ग्रेट डिस्टेंस बिफोर दे मेक देयर वे टू योर टी कप। कैसे? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम विकास, द एस्टेट मैनेजर। तो विकास, अगर मैं आज डिसाइड कर लूं कि मुझे ये पूरा प्लांटेशन चाहिए, पूरा एस्टेट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको ये नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी करना पड़ेगा? हाँ। और क्या करना पड़ेगा नौकरी में? नौकरी में तो आपको मेनली टी प्लांटेशन देखना है, प्रोडक्शन देखना है। हाँ। सब कुछ देखना पड़ेगा, लेबर अल्फा भी देखना पड़ेगा, इच एंड एवरीथिंग। करेक्ट। एटलीस्ट मतलब एक कप चाय रोज फ्री की तो मिलेगी। हाँ हाँ, श्योर 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 मिलेंगे। अच्छा, आप इतना यहाँ काम करते हो, आपकी एवरेज दिन में आप कितनी चाय पीते हो? कितने कप? अराउंड 10 कप। व्हाट? 10 कप रेगुलर बेसिस। आपको एसिडिटी नहीं होती? नहीं नहीं होता है। विकास, असम टी के बारे में ऐसी क्या खासियत है? असम टी मेनली आपका जो ब्लैक टी होता है, मेनली सीटीसी कॉल्ड प्रेसिंग क्रीम कार्लिंग, इट्स फेमस। जो कड़क सा जो होता है इंडिया का, जो असम से बनता है। हाँ। अच्छा, ये जो ये ऊपर की जो लीव्स हैं ये लाइट ग्रीन है और ये नीचे डार्क ग्रीन है, ये ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड सूट्स, यू नो दिस इज टू लीव एंड अ बड। दिस इज बड, सिंगल लीव, दिस इज आल्सो लीव। ओके, सो वी कैन मेक टी फ्रॉम दिस लीव एक्चुअली। दिस इज वेरी सकुलेंट एंड सॉफ्ट, यू टच इट, सॉफ्ट। वो पुरानी, दिस इज पुरानी, दिस इज लाइक ए मदर, दे आर प्रोड्यूसिंग द सूट्स, दिस इज कॉल्ड मेडन लीव। ओ, गॉट इट। हां, सो बेसिकली जो नीचे का है वो सारा इसके लिए सपोर्ट है। हां, मेंटेनेंस लीव, इट्स कॉल्ड मेंटेनेंस। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी जगह, इतना सारा ग्रीनरी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दिस गाय। और ये छोटे छोटे हर किसी पे निकलते हैं और ये यही जो मेंटेनेंस है, यही बार बार ये प्रोड्यूस करते हैं। चाय पिए हैं? आप पूछ ही नहीं रहे चाय के लिए, मेहमान आए। हाँ, हाँ, आपने कह दिया आप 10 पीते हैं, आपने मुझे चाय की बातें बता दी। हमने अरेंज किया है, अभी अरेंज किया। आइए, लेट्स गो। एज प्रॉमिस्ड, विकास ने मुझे पिलाई एस्टेट की स्पेशल कड़क चाय। कड़क चाय तो हो गई, लेकिन अब मिलते हैं एक बहुत ही कड़क पर्सनालिटी से। Cheers to that. अगर किसी चीज के नाम में भूत हो तो उससे डर तो लगना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग भूत झोलकिया। दिस इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हॉटेस्ट मिर्ची and it's certainly not everyone's cup of tea. But just 15 kilometers away from Jorhat, in a fairly ordinary village called Titabor, lives quite an extraordinary woman. And she seems to have a really hot relationship with this chili. Namaskar, Anandita. Yeah, thank you. Aapka dost. मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये हैं अनिंदिता तिमोली और ये इनकी फैमिली। अनिंदिता दुनिया की सेकंड हॉटेस्ट पेपर को खा सकती है, बहुत सारी खा सकती है। कैसे करती है? छोटे छोटे मिर्ची खाती हूँ पहले, वो मिर्ची मेरे बर्डस कर लिया और ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है। हाँ, हाँ। वो बता दिया तो मैंने टेस्ट करने के लिए वो छोटा छोटा खाते 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 वो मेरा बर्डस हो गया।
तो जब आप ये इतनी इतनी तीखी मिर्च खाती हैं तो जलन नहीं होती? हाँ जलन तो है, मैं जलन आती है, लेकिन मेरे अभी खाते खाते मेरे बर्थडे थक गई इसलिए मैं खा पाऊंगी। आदत पड़ गई। हाँ। पर फिर भी मतलब ये कोई मामूली आदत नहीं है। जब आप छोटी थी तो आपके आसपास में लोग जो थे वो आपके बारे में क्या सोचते थे? आसपास में पहले तो ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, जो मालूम है वो लोगों ने बताया तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा आप कैसे मिले इनसे? 2004 में मिले हैं। प्रोग्राम देखा है हम। अच्छा जान पहचान हुआ। इनका प्रोग्राम देख के आप इनसे मिले? हाँ। अच्छा ये सेलिब्रिटी ऑलरेडी थी जब आप इनसे मिले? हाँ। और फिर आपने क्या किया? ये घर से आदमी गया है। लव हो गया। लव हो गया। उसका बाद शादी। आप इनको जब रोमांस करते हैं तो फूलों की जगह मिर्ची लेके आते हैं? नहीं। ये लो नंदिता तुम्हारे लिए 40 मिर्चियां, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, 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 नहीं। अभी आपकी एज कितनी? 32। और आप खा रही हैं 5 साल की उम्र से? हाँ, से हाँ, तो मतलब अभी चैंपियनशिप हो गई है। हाँ। अभी आप कितनी खा सकते हैं? अभी तो मैंने 1 मिनट में 60 मिर्ची खाती हूँ। 2 मिनट में 60 खाती हूँ, लेकिन अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 मिनट 11 सेकंड में 3 मिर्ची खाते हैं। मेरा एक ही एम है, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर पाऊंगी या नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि अब आपका 2 मिनट में 60 का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो गिनीज वाले वहाँ बैठे हैं सोच के कि 3 रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। मैं सोचती हूँ आप उनका रिकॉर्ड अभी इस वक्त इस शो पे बीट करो। आप ट्राई करोगी? मैं आपको टाइम करूँगी 1 मिनट का टाइम, उसमें आपको नहीं 1 मिनट 11 सेकंड 1 मिनट 11 सेकंड का टाइम आपको उसको बीट करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आनंदिता तिमोली हैज एक्सेप्टेड द चैलेंज। उन्होंने कहा है कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करेंगी, जो स्कोर है 1 मिनट 11 सेकंड में 3 भूत झोला किया। स्टार्ट करें? ओके आपका टाइम शुरू होता है अब। वो तो सिर्फ 4 सेकंड हुए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बीट हो चुका है और सिर्फ 20 सेकंड हुए। करियोन कुछ भी उनकी शक्ल पे पता नहीं लग रहा है, उनको कुछ फर्क पड़ रहा है। एंड दिस इज द सेकंड हॉटेस्ट पेपर इन द वर्ल्ड। 2 सेकंड और है बस। 1 2 एंड कट। दैट्स इट। टोटल हुई 8। आनंदिता व्हाट इज दिस? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 8 भूत झोला किया 1 मिनट 11 सेकंड में, और वहाँ पे गिनीज वाले सोच रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड है, वो सिर्फ 3 का है। यू आर सुपर ह्यूमन। ओके बट दिस इज नॉट इट। आपने कहा था आप इसको आंखों में भी रब करती हैं ना, वो भी आपका रिकॉर्ड है। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करना तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी वॉट यू डू। चलिए स्टार्ट। जब नहीं करी उसको एक्चुअली ना वो ऐसे क्रश कर करके शी इज टेकिंग द जूस आउट। टाइम अप। दैट्स इट। हो गया। ओह माय गॉड। भूत जो लग गया जो इतनी स्पाइसी है कि लोग उसको छूते तक नहीं है, दिस वुमन राइट हियर आनंदिता तिमोली, वो अपनी आंखों में रखती है करीबन 8 ऑफ देम इन 1 मिनट। This is amazing. It happens only in India. He is. Try करके। नहीं, मैंने करी थी। हाँ, देखो, इतना ज़्यादा नहीं, छोटा देखो। करूँ? देखिए ना। Anandita was a bit too hot to handle. और आज के लिए इतना excitement काफी है। पानी। I think it's time for me to head back. And in true Jorhat style, I'm checking into the Kaziranga Golf Resort right in the middle of the Sangsua Tea Estate. This resort is actually a 100-year-old tea estate bungalow. Wow, such old world charm. I feel like I've stepped back into another time, and don't worry about me, I can always entertain myself.
this is it. The perfect place for me to chill, relax, and catch the beautiful sunset. Okay, ab main sone ja rahi hu. Tomorrow there will be another journey to a very special island. I cannot wait. से 40 किलोमीटर दूर है निमती घाट और यहाँ सुबह के 7 बजे से ही लाइफ सीम्स टू गेट अ किक स्टार्ट. अ ब्रांड न्यू डे इन असम. मैं हूँ इस वक्त निमती घाट में जहाँ पे ये फेरी मुझे जोरहाट से मजूली लेके जाएगी. इस फेरी में सिर्फ इंसान ही नहीं, गाड़ियाँ, बाइक्स, घोड़े, हाथी, शेर सब जाते हैं. सो वी कैन सेफली अज्यूम कि ये बोट सिंक नहीं करेगी और मे बी इट विल, आई डोंट नो. पहले एक प्याली चाय. लोकल्स और टूरिस्ट की एक कांस्टेंट स्ट्रीम निमती घाट से शुरू और खत्म होती है. Seriously, I love the hectic feel. But the crowd I see on that side seems a bit unusual even by Nimati Ghat standards. What's going on? Congratulations. एक आप बात बताओ, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है. आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? क्या यूज करते हो आप? ये दांत कैसे होता है? इतना ऑलमोस्ट पत्थर जितना है, कैसे करते हो? शर्म आ रही है? एक्चुअली असम में लड़के बहुत शर्माते हैं, मैंने नोटिस किया है. बट ये इतना हार्ड कैसे तुम कर पाते हो यार? ये तो इम्पॉसिबल है. ये तो हमने तो 8-10 साल से मैंने ये प्रैक्टिस. और क्यों करते हो? कोई लॉजिक है? नहीं नहीं. गुस्सा आता है क्या बहुत तुमको? बहुत गुस्सा आता है, नारियल लेके ऐसा? नहीं नहीं. अच्छा, टूटू के बारे में आपको दो बातें जानना जरूरी है. एक तो वो ऐसे नारियल की हालत 30 सेकंड में ऐसी कर सकते हैं, और दूसरा उनको बहुत शर्म आती है. वो लुक एट दैट, वो बता ही नहीं रहे क्यों करते. वेल यू नो, आई जस्ट टेक दैट, आई थिंक इट्स प्रीटी कूल. He doesn't want to tell me why, but it's fine. He's very talented. Doesn't matter. अच्छा, एक काम करें. टूटू, एक मेरे लिए चैलेंज है आपके लिए, ठीक है? ये इतना बड़ा नारियल, मैं देखना चाहती हूँ आप कितनी देर में उसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है? अभी हम इनके लिए क्लैप करेंगे और ये देखेंगे कि ये वाला नारियल ये कितने टाइम में ऐसा बना सकता है, ठीक है? जिसने क्लैप नहीं करा ना उसके सर पे नारियल पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया? Everybody got it? Okay, let's start. 1, 2, 3, go! Seconds. और ये नारियल की हालत, वो इतने बड़े नारियल की हालत ये हो गई है. आई थिंक आई एम अ बिट स्कैर्ड ऑफ हिम. हमें चलना चाहिए. बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय बाय. दिस फेरी विल गेट मी फ्रॉम निमती घाट टू माजुली इन अबाउट एन आवर एंड अ हाफ. हमने यहाँ निमती घाट से शुरू किया था और हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, विच इज माजुली, जो भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल रिवर आइलैंड है. कैन यू इमेजिन दिस एंटायर थिंग इन येलो इज माजुली? आई कांट बिलीव इट. आप क्यों जा रहे हैं माजुली?
देखने के लिए फर्स्ट टाइम आ रहे हो। अच्छा, क्यों आ रहे हैं? ऐसे मधुले ओल्ड हेरिटेज हैं इसलिए आ रहे हो। अच्छा, कैसे पता चला आपको उसके बारे में? जी मैं एक्चुअली असम के, असम से गुवाहाटी से आ रहे हो। अच्छा। फर्स्ट टाइम देखने के लिए आ रहे हो। आप में से कौन है जो माजुली जा चुके हैं? हाँ, तो आपको पता है माजुली के बारे में कुछ? It's a 900 square kilometers is covering and there are 52 sutra and still now there's 22 sutra only. पहले 52 थे, अब सिर्फ 22 हैं। वो क्यों हैं? 30 sutra already decrease हो गया क्योंकि erosion की वजह से। तो मतलब माजुली का जो आगे, अगर अगले 5 साल में मतलब थोड़ा डामा डोल है ना कि रहेगा कि नहीं रहेगा। Well, I guess it will be there when we get there because we are only an hour away. But I don't know what's the future of that place, maybe another 10 years from now. It's a bit gloomy to think about it though. You are not gloomy. पान के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि पान मैं नहीं खाती हूँ। और कुछ है खाने पीने को? साह है। क्या? साह चाय मुझे दे दो एक कप। इसमें वो तो है ही नहीं, दूध तो है ही नहीं। दूध नहीं है, फिर लाल चाय मिल जाएगा। हाँ, लाल चाय मिल जाएगा। दूध लाल चाय। This is yummy, मतलब एक तो अपने घर में चाय बनती है, उसको उबाल के अदरक दूध सब डाल के। Otherwise, there's a very cool light Assamese tea with bay leaf in tea. I like this. Red chai on a boat. This is very decadent. Thank you. Bye. लहरों पर झूलती हमारी फेरी धीरे धीरे हमें माजुली की ओर ले जा रही है। एंड सिटिंग हियर ऑन टॉप अंडर द ब्लू स्काई द वार्म सन, ट्रस्ट मी दीज आर द बेस्ट सीट्स इन द हाउस। माजुली इज लाइक अ ब्यूटिफुल लिटिल फ्लावर सिटिंग इन द लैप ऑफ द माइटी ब्रह्मपुत्र। इट्स 90 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 16 किलोमीटर्स वाइड, विच मेक्स इट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड। There are about 300 villages here and all of them are so different from each other. ये सबको नहीं पता कि हर मॉनसून, बारिश और ब्रह्मपुत्र के मूड के हिसाब से the whole shape of the island changes. I mean it, really. हर साल फ्लडिंग से receding shoreline के कारण ये आइलैंड शायद अगले कुछ decades में नहीं रहेगा। Sounds a little scary, doesn't it? पर लगता नहीं कि यहाँ के लोग इस बात से जरा भी stressed हैं। मिशिंग ट्राइब, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑन द आइलैंड, अपने मूडी पड़ोसी से काफी एडजस्ट हो गए हैं। देयर हाउसेस आर एक्चुअली क्वाइट कूल। दे आर बिल्ट ऑन बैम्बू स्टिल्ट्स ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आ सके एंड दे आर कॉल्ड चांग घर। और अगर कभी बाढ़ ज्यादा आ भी गई तो एवरी हाउस हैज इट्स ओन बोट। That's pretty cool, isn't it? For the Mishing tribe, Brahmaputra is the river of sorrow as well as the river of hope. किसी भी कम्युनिटी को करीब से जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग खाते क्या हैं और जो खाते हैं उसको लाते कहाँ से हैं। In this case, Mishing goes fishing on the backwaters of the Brahmaputra. Come. इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ अंदर मछली है। अच्छा, मतलब उसको आपने जमीन पे लॉक कर दिया होगा ना? हाँ। अच्छा, और फिर यहाँ पे कैसे आएगी? यहाँ पे, यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे। हाँ वो है। ओके, ऐसे निकल कर ऐसे। इट्स अ ट्रैप एंड किल, तो मतलब उनको ट्रैप किया वो बास्केट से, थोड़ी देर वहाँ पे रखेंगे फिर पानी में निकाल के हो रहे। ऐसे मच्छी पकड़ना मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जल्दी नहीं मिलता है ना, इसलिए। कौन सी वाली खाने वाले हैं, काली वाली या सफ़ेद? कौन सी खाएंगे? ब्लैक भी खाएंगे, व्हाइट भी खाएंगे। आप बनाएंगे? हाँ, प्रॉमिस। Thank you.
कराची में क्या करेंगे? बड़े को लेकर। अच्छा, कुछ तो होने वाला है डंडियों के साथ और मछली पकने वाली है। कैसे पकेगी मेरे को नहीं पता, और ये हंसती रहती है। क्या क्या हल्दी और नमक डाला है ना अभी? आपका नाम? मेरा नाम दयानंद कवानी। अच्छा, अभी खाएं क्या इसको? I think बन गया। बन गया है ना? क्योंकि अभी गिर ही रहा है ऑलमोस्ट। This Mishing way of barbecuing fish on a stick is quite simple, very tasty and super healthy. Only in India, आप स्ट्रेंजर्स से मिलेंगे, वो आपको मच्छी पकड़वाएंगे, फिर घर लेके आएंगे, मच्छी पकाएंगे, and you will at the end of the day eat a really, really scrumptious meal. I can't say this enough. This happens only in India. Thank you. बहुत अच्छा बना। This delicious, gorgeous Mishing meal is just the beginning of this journey. अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सुबह की मिस्ट में डूबी हुई माजुली, अर्ली मॉर्निंग की फ्रेश हवा, शांत सड़कें, ग्रीन लैंडस्केप एंड माय साइकिल। सीरियसली, देयर कांट बी अ बेटर वे टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। एंड आई एम गोइंग टू द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑन द आइलैंड। माजुली कितना रिमोट है ये यहाँ सलमोड़ा गांव में आके पता चलता है। कैन यू इमेजिन, इन्होंने अभी तक पॉटर्स व्हील डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद करीबन 350 सालों से फैमिलीज ये परफेक्टली सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल घड़े बना रही हैं। हाउ दे डूइंग इट? राइट ऑन द एज ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज सलमोड़ा विलेज, वेयरएवर यू लुक यू सी दीज परफेक्टली राउंड पॉट्स। दे आर आइडेंटिकल एंड दे लुक स्टनिंग। In fact, मैंने सुना है कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे मोहिंजोदारो और हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच का मिसिंग लिंक मानते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? अच्छे हैं। देखना था आप लोग ऐसे कैसे बना लेते हो घड़े, एकदम सेम है सब और एकदम गोल है। तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों के। हाँ। ओ वाह। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है वो उन्होंने ऐसे ना, जैसे मान लो मिट्टी, ये मिट्टी है और उसमें ऐसे था और ये उंगली ऐसे करके एंड शी केप्ट टर्निंग इट था। अच्छा, इससे थम से ऐसे किया और टर्न कर करके एंड देन यू टेक इट आउट, ये बन जाता है एंड दैट इज द बिगिनिंग। वो उसका छेद है शुरू का। मेरे से बहुत बुरा हुआ है ये घड़ा नहीं फ्लावर पॉट बनेगा, बट दिस इज द बिगिनिंग। ओके, द सेकंड स्टेज इज स्टार्टेड। अब क्या कर रहे हैं हम? पहला ये हुआ ना, तब सेकंड ये हुआ, तब थर्ड वो होगा। तो उस स्टेज से लेके जो आपने ऐसा गोल सा बनाया था उसको आपने इस खोया में रख दिया, और इफ यू सी क्लोजली वो ना पैर से अपने ऐसे ऐसे उसको सर्कुलर मोशन में हिला रही है और पानी से उसको शेप कर रही है। It's almost unbelievable what she's doing. इतना स्किल चाहिए उसको करने के लिए। I think समझ में तो आ गया, बनाना I can promise you is impossible. There's a lot of skill. अब मैं बनाऊँ? मेरे को सिखा दे, आप सिखाओ। ये she's the master, the sensei. अच्छा, ये नया लूँ? अभी इसको गोल।
जो बिल्कुल गड़े जैसा लगता नहीं है, एक्चुअली लुक्स लाइक अ सीट, इज अ थ्रोन होता है ना, जस्ट टू लेट यू नो दिस इज नॉट इजी. घड़ा बनाना बहुत मुश्किल है इस मेथड से. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू गॉट. क्या करें इसको, ठीक कैसे करें? ओके आई नो, ये घड़ा जो मैंने बनाया है इसको कोई नहीं खरीदने वाला है, ये कहीं नहीं बिकने वाला है. बट द थाउजेंड्स ऑफ फिनिश पॉट्स फ्रॉम दिस विलेज आर पाइल्ड ऑनटू वन बोट और फिर शुरू होती है इन पॉट्स की जर्नी अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र बाजार की ओर फ्रॉम वन विलेज टू अनदर टिल दे फाइनली फाइंड अ होम. Village in Majuli has a different feel and their own unusual traditions. Assam ki eri silk bahut famous hai aur wo silk aati hai is worm se, eri silk worm se, lekin apparently iske aur bahut se uses hain jo Yamini batayenge. ye kahan se aaya, ye jo khichda hai, ye bhi jo ye worm hai isko hum boiling karte hain, इसको उबालते हैं. उबालते हैं, उबाल के बॉइलिंग करने के बाद इसके अंदर जो कीड़ा होते हैं उसको खुल देते हैं. अच्छा, खुल के ये टाइबेल लोग तो खाते हैं. खाते हैं? हाँ, अंदर जो कीड़ा होते हैं ये खाते हैं. दैट इज द अदर यूज फॉर द एरी सिल्क वर्म. इसके अंदर जो कीड़ा है उसका धागा तो बनता है, उसके बाद इसको खाया जाता है. आप खाते हो? हाँ, हम लोग भी खाते हैं. एक्चुअली ये आपका जो ये होते हैं इसको मिठाई उठाई भी बना सकते हैं. इसका मिठाई भी बनता है? केक बनते हैं. एरी बेसिकली ना आसाम का हीरो है, वो सब कर सकता है. तो इसके अंदर है वर्म ना. ये जिंदा है अभी? जिंदा है. चलो चलते हैं. Around 20 villages are completely into sericulture. उबालने के बाद ये अंदर किया है ना, वो निकाल उसको निकाल लिए. Oh wow, look at that. पक्का टेस्टी है ना, अजीब सा नहीं है. आप खा के देखो ना. चलो लेट्स गो, एक बार में एक साथ खाते हैं. हाँ, एक साथ खाओ. नमक ले लेना, नमक थोड़ा सा ले लेना. खाओ तो खाओ. इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस. अच्छा है, सरसों के तेल में थोड़ा क्रंची टाइप का है. वाओ, एक और ट्रैक है. ये बहुत अनयूजुअल है, करेक्ट? पर डोंट वरी, आगे बहुत कुछ होने वाला है. मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे एक भी लड़की नहीं है. जस्ट दैट. Turns out that Majuli is not just a natural but also a very important cultural heritage site. 17th century mein bane satras yani gurukul called hotras in Assamese actually Vaishnavite monasteries hain. There are about 22 satras in Majuli and Onyati satra has about 400 bachelors jo actually Krishna Bhagwan ke bhakt hain. Really? Maine kaha tha na, ek aisi jagah jahan par ek bhi ladki nahi rehti. मैं हूँ इस वक्त औनियाती सत्र में, जहाँ पर 400 सालों से हर एज के सिर्फ बैचलर्स रहते हैं एंड अपेरेंटली सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पूजा करते हैं. ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर वुमेन. बॉयज, व्हाट्स गोइंग ऑन? नमस्कार. नमस्कार. आपका नाम क्या है? प्रसन्न कुमार. प्रसन्न कुमार भैया. भैया, आप यहाँ पे इस सत्र में कब आए? 1997. अभी कितनी उम्र है आपकी? हम 31. तो आपने बेसिकली अपने मतलब जवानी के साल, मेन साल, एक सत्र में गुजारे हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, करेक्ट?
आप महान हैं, आपको ये जो दिल्ली के और बॉम्बे के लड़के हैं ना, उनको आपसे कुछ सीखना चाहिए. लर्न फ्रॉम हिम. बैचलर्स ऑफ ऑल एजेस, पूछना ही पड़ेगा क्या सीन है. आप बताइए, अन्यादि सत्रह जाना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स रहते हैं, वो क्यों है? सत्रह में जो जो जेंट्स और लेडीज एक होने से कोई प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए. लेकिन हम धर्म चर्चा के लिए समय नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए बैचलर जीवन बहुत अच्छा समझ में आया है. तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपको पूजा करने का टाइम नहीं मिलेगा अगर लड़कियां होंगी यहाँ पे. तो संस्कृत में एक श्लोक है, तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, अवॉइडिंग समथिंग वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, वी अवॉइड दिस वन एंड डू अनदर वर्क. आई फील सो बैड एज अ वुमन, मुझे मतलब शर्म हो रही है लड़की होने में, बिकॉज लाइक अवॉइडिंग समथिंग इज लाइक डूइंग योर ड्यूटी. अच्छा, यहाँ पे कृष्ण रासलीला भी होती है ना? बट आप उनको पूछते हैं कृष्ण भगवान को? पर कृष्ण भगवान की तो गोपियां हैं बहुत सारी. नहीं, ये तो लीला और आप लोग जो बड़ा आदमी ने किया वो लीला है. हम तो कृष्ण जैसा हम तो नहीं सक हो सकता है, हम भक्त हैं उनका, हम पूजा कर रहे, लीला है और हम आदमी हैं. कृष्ण भगवान की गोपियां उन्हीं के साथ रहे, ये लोग यहाँ पे बैठ के पूजा करना चाहते हैं. आप यहाँ क्यों आयो? सतला के लिए आई जा रही. ये तो इतना सुंदर है, इसको तो देख के लड़कियां तो पागल ही हो जाएंगी. आपने इसको यहाँ रख लिया, मैं तो कह रही हूँ इसको भेज दो. तो बेसिकली अलग अलग एजेस के बैचलर्स हैं और इनकी जिंदगी यहाँ पे वैसी है जैसी बाहर होती है. बट देयर इज वन ग्लेयरिंग फैक्ट, लड़कियाँ अलाउड नहीं है. एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, आई थिंक आई शुड लीव. बाय बाय, थैंक यू. ओह ओके, दैट वॉज अ बिट ऑकवर्ड, बट द डे इज़न्ट ओवर येट. Next up is some entertainment, Majuli style. मैं हूँ हनुमान, आप सब मुझे जानते हैं, मैं कुछ लोगों का भगवान हूँ, बहुत से लोग मुझे मानते भी हैं. एक बार ना मेरी पूंछ जल गई थी, बट नेवर माइंड अबाउट दैट. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मुख बनाने में बहुत सारी लेज हैं, मुझे बनाने में ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगता है. मुझे लगता है आप मुझे जानना चाहते हैं, आ जाइए. So approximately 400 years back, Shankara Deva started this mask making tradition in Majuli. And today these masks are famous all over the world. Samaguri Satra mein bane masks use hote hain centuries old Assamese performances mein. Locals call it bhavna. This entire process is a pretty closely guarded secret. But of course, mera to kaam hi hai janna all kinds of secrets. And the head of this Satra, Hem Chanji, seems to be just the man I want to meet. Sir, mask banane ke process mein sabse pehle kya karna padta hai? पहले ये है बेम्बो से, बेम्बो पर मैं तो कपड़ा लगाया, कपड़ा और मिट्टी दोनों मिसा करके लगाया और फिर सुखाने के बाद तो शेप लगाया. वो शेप है तो काउडंग गोबर एंड मिट्टी मिला करके ऐसे ऐसे शेप लगाया. तो फिर इसे सुखाने के बाद कपड़ा लगाया, कपड़ा और मिट्टी दोनों लगाया और तो साफ करेगा फिर कलर. और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? ये गोबर है, ये गोबर है, गोबर अलग कैसिंग डिस्ट्रीब्यूशन है. गोबर गोबर के साथ मिट्टी मिक्स मिट्टी कर मिट्टी मिली मिट्टी. बट गोबर क्यों यूज करते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? नहीं, गोबर से जो लाइट होगा, हाँ, जब वो बेक हो जाएगा तो वो लाइट हो जाएगा. That's the price you pay for a light mask, जिससे आप perform कर सकें. वो mask light तो है, लेकिन उसमें गोबर है. एक mask का ये है formula. हाँ. Nose है, ये है, ये है, ये. Correct. ये हो गई nose. Nose, ये भी mouth, ये जो होगा. मुंह हो गया. हाँ, ये, ये. ये थोड़ी हो गई नीचे ने. नीचे. और आगे आंखें. Correct. ये. हाँ. अच्छा. Use करेगा. ये. Super. इसको भी पहन सकते हैं. हाँ. आप पहनिए सुबह.
पहन के देखा ये ना, अरे वाह एक्चुअली ना जापान में एक आर्ट होती है ना सोड आर्ट उसका ये मास्क भी बन सकता है ऑफ कोर्स इसमें बहुत काम होने वाला है हेमचंद जी आपको अच्छा मास्क मेकर बनना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा सीखने के लिए तो एक मंथ में हो जाएगा वेरी गुड पूरी दुनिया में जो पुराने कल्चर्स हैं ट्रेडिशंस हैं आर्ट स्किल्स हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है लेकिन यहाँ माजुली में गुरु शिष्य परंपरा अभी भी कायम है और उनके ट्रेडिशंस भी अभी भी कायम है Making masks seems to also attract a lot of foreigners. Well, check this guy out. Hi. Hello. All I know is that you're from Israel. Please tell me, what are you doing here? I visited Majuli 3 weeks ago with a friend. Okay. I'm here for 1 week. Okay. For learning mask making and wood carving. Right. And this place is perfect for me. Yeah. I mean, they treat me like one of the family. I'm not surprised. I think that's something that is quintessential to India. Yes. I think. Yeah. We're very lucky like that. So you're doing the first thing of making the cane mask. Yes, this is the first step, the first step of the making the mask. Yeah. Need to split and divide the bamboo for this. Right. For this that's guy. Really thin to get that. Yes. So you think that once you go back home, you're still gonna make these? I don't know, maybe. Where are you gonna get our world famous dung from? You're gonna get cow dung in Israel. Nowhere. I doubt it. Nowhere. No? And not like these masks, this Indian and Assamese shape and this culture. So it's very unique for me. Yeah. And it's really good opportunity for me to be here. I can imagine. Yeah. It's unique for you to do this. It's unique for me to see you here. Trust me, it happens only in India. For you and many more people this week. Yeah. Come and say, ooh. ये कृष्णा है और ये हेमचंद्र जी के स्टूडेंट हैं और ये हमको बताएंगे अबाउट द वेरियस मास्क शुरू करें ये कौन है ये सुग्रीव है ये बाली का जो भाई है ना वो सुग्रीव है तुम सुग्रीव हो और मैं बाली हूं तो भाई है हम भाई हैं ना हाँ भाई हैं अच्छा हम भाई हैं वो एक समय वो दोनों का जो लॉर्ड हुआ है वॉर हुआ है हाँ तो अभी वॉर करेंगे कि सही है अपना सही चल रहा है कि वॉर चल रहा है वॉर चल रहा है वॉर चल रहा है अभी भी वॉर चल रहा है ये बाली मैं सुग्रीव ये बाली आप बाली मैं बाली हाँ अच्छा ये जो मास्क हैं हाँ. ये तो मैंने देख लिया तुम बहुत अच्छी तरह उनको करते हो बट कोई परफॉर्मेंस होगी पता लगेगा कि मास्क यूज कैसे होते हैं मास्क तो वो ये मास्क है हम बनाया है हाँ. उसके ये कैरेक्टर ये जतायु है हाँ. ये कैरेक्टर से हमका हमारा जो मन है हाँ. वो मिलना चाहिए परफॉर्मेंस में इनका मन जटायु से जो भी मास्क है उसके कैरेक्टर से मिलना चाहिए तो थोड़ा सा दिखाएंगे परफॉर्मेंस करके सब लोग बाद में हम दिखा देंगे ठीक है और मैं क्या बनूंगी आप देखते रहेंगे नहीं मुझे देखना नहीं है मुझे भी मुझे मोहिनी आप नहीं, मोहिनी नहीं मैं हनुमान बन सकती हूँ हाँ ठीक है हैं मुझे करना क्या पड़ेगा हनुमान बन के वो युद्ध करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा युद्ध हाँ अरे युद्ध तो मैं ऐसे कर लूंगी ठीक है आई विल बी हनुमान मैं अगली परफॉर्मेंस में हनुमान हूँ कीप वॉचिंग दिस विल बी सो मच फन चले चलो रामायण की इस परफॉर्मेंस में यूज होते हैं दो तरह के मास्क छो मास्क विच कवर्स योर एंटायर बॉडी एंड मुख मास्क Which, like the name suggests, covers only your face. This Vanar Sena is quite gung-ho and ready to impress the crowd. And I am not far behind. As soon as I heard the dholak beats, man, I just had to get onto the stage. And it seems like the crowd doesn't mind my monkeying around, quite literally.
But it's time for me to now go sit back and enjoy the show. I have never seen Ramayan perform this way. के साथ साथ आई ऑल्सो टोटली गॉट लॉस्ट इन दिस किलर परफॉर्मेंस. बट सुनने में बहुत सही लगता है. एक नया सीटी बजाने का तरीका happens of course only in India. आप करके दिखाओ. जोरहाट और माजुली यानी असम का चेहरा. A million different colors, natural beauty, centuries old traditions, bizarre food, and really unusual people. Sab kuch milta hai yahan. Is this a matter of unwrapping its many layers? Kuch khatti meethi, kuch teekhi yaadein samet kar, I'm off to my next destination. हॉटेस्ट पेपर दुनिया की. सॉरी, उसका मूवमेंट कितना मेरे से बहुत बुरा होता है. ये घड़ा नहीं, फ्लावर पॉट बनेगा. अब ब्रांड न्यू डे इन असम. मैं हूँ इस निमाती घाट पे, जहाँ पे ये फेरी मुझे जोरहाट से मजूरी लेके जाएगी.